नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के दड़ोली गांव में, और दड़ोली गांव की गौशाला में एक दुखद खबर आया। जो भी इस खबर ने देखेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। बड़ी दुखद खबर है, गौशाला के अंदर गौओं को जो काटा जावा है, जो उसकी खाल निकाली जावे, उसका खुलासा जो 14 तारीख को होया है, संक्रांत के दिन खुलासा होया है। संक्रांत के दिन गौशाला में दान देवे की गाय माता का चारा है जे दान देवे है, लेकिन गौशाला के अंदर जो गौशाला चलाने वाले हैं उन्हीं वही ये काम कर रहे थे, तो उसका खुलासा होया है। और आज पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंची है, गो रक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करे तो बातचीत करांगे पूरा के कुछ मामला किस तरह से पता चलिया कि गौशाला के अंदर जो गौ काटी जावे है। ये गांव गुवांड में भी जमानत जब्त वाला काम है इनका, और इस टाइप की कार्रवाई में जिस हिसाब से जींद की जनता से बड़ी कामयाबी मिली है, गौ माताओं को जितने भी ये चल रहे थे हरियाणा हिंदुस्तान में ये सब बंद होंगे, और इनकी बड़ी मदद से साथ की वजह से आज इतनी कामयाबी को मिला। इस गौशाला को बंद करा जा रहा है, सरकारी गौशाला में कन्वर्ट करा जा रहा है। आज लगा कि हाँ, गौ तस्करों को उनकी सभा सिखा सकते जब पूरा मामला शुरुआत से बताओ जी। 14 तारीख के मकर संक्रांति वाले दिन वहाँ गायों की खाल पाई गई थी, उन्हें काटा गया था, उनके कटे हुए सिर थे, एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वायरल करी गई थी। भाईचारे को ईद करके कई हजार भाई जींद के इकट्ठे हुए थे, इस मांग को पूरी करवाने के लिए रखा था, गौशाला की तरफ जा रहे थे। फिर DSP साहब, दो DSP साहब, SDO साहब और पूरी टीम इनकी वो आई, उनसे हमने कही, जितने भी वो कमेटी थी उनके साथ मुकदमा हुआ, उन्हें गौ माता उनका बाहर करा गया गौशाला से, और इन तीनों मांगों को पूरी करवाते हुए अब हम संतुष्ट हैं। अभी हम जाके अपने जो भाईचारा उसके सामने पढ़ेंगे, बस यही है। जो गौशाला की टीम थी उसके द्वारा ये किया गया, ये गौशाला वालों ने करा, गौशाला के अंदर हुआ, गौशाला की कमेटी ने, गौशाला की। हडवारा नाम की एक चीज होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, हडवारा नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर वो कहते हैं मरी हुई गाय के वो खाल उतारते हैं या मांस बेचने हड्डी बेचने का कार्य होता है, वो इंडिया के अंदर से बिल्कुल बैन है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी गौशाला इस काम को करती है, समझ लो गौ कसाई का काम कर रही है, इसके खिलाफ लीगल एक्शन है। अगर किसी को भी लगे ऐसा होता है तो किसी भी अपने आसपास की गौ रक्षक दल से या किसी भी टीम से मिले। बाकी हमारा नंबर है दल का 9315552910, संपर्क करें। बाकी प्रशासन का बड़े सहयोग के साथ ये काम सफलता में मिली है, हम प्रशासन का अभी। यहाँ तो आपने वीडियो बना ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है देखो हिंदुस्तान में, हाँ, उन्हें जागरूक करने के लिए ही तो लोगों को जागरूक होना होगा वहाँ का, और जागरूक करने के लिए आज ये चीज 4 लाख आदमियों ने देखी, इससे जागरूकता हुई है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये काम हो रहा है? जी हम दान देने आए थे गांव की कमेटी के साथ, जब हमने नोटिस करा जिस हिसाब से हमारे गांव में जैसे एक बच्चिया ने जान दी, तो उसे देख के समझ गया भूख के हमारे बच्चे जान दे रहे, तो फिर सारी इंक्वायरी करी, जब पता चला कि गायों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, भूखे पेट उन्हें रखा जा रहा ताकि वो मौत हो उनकी हडवारे के लिए। गौशाला के अंदर बहुत सारा दान भी आता, दानी से दान आता है जी, गौशाला भी कई तरीके के, गौशाला भी कई तरीके के, जैसे हमारे बड़े भाई हैं कालू कोडल, उनकी गौशाला आप जाके देखो, और कई गौशाला जो गौशाला के मेंटेनेंस सब कुछ है, लेकिन इस टाइप की जो गौशाला है वो सिर्फ गौशाला के नाम पे कलंक है, वो लोगों से पैसा कमाने का एक तरीका कलंक ऐसे है। और लेकिन हाँ, देव जी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उनके हाँ, नाम पे कलंक रहे इन्होंने, उनके नाम पे को ताकि एक चीज मैं आपसे कह देता हूँ, जो भी इस टाइप का आगे काम करेगा उसके खिलाफ लीगल नहीं, अब उसके खिलाफ हर तरीके की कार्रवाई करने का काम करेंगे। गौरक्षा दलों की अगर मैं बात करूं, क्या भविष्य में जो है आने वाली हर एक जो गौशाला है उसकी आप देखरेख करेंगे या फिर ऐसी चीजें देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं वो तो जनता बताएगी। जब हमने नंबर डाल दिया, जहाँ जहाँ से मदद मांगी जाएगी हम अपने भाईचारे से मदद मांगेंगे, हम करेंगे जहाँ तक हमसे करा जाएगा करेंगे। वो गोरक्षक नहीं है जी, वो पहले से ही दलाल है, उनका गोरक्षा से कौन बचाए, जी ऐसा वोट देने वाली जनता को पता होना चाहिए वो किसको वोट दे रही है, और पद देने वाले अधिकारियों को पता होना चाहिए वो किसे पद दे रहा है। इस चीज को सोचते हुए आप कहो, किसी सबको आपकी गलत नहीं कह सकते, आज सारी प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन तो जी उनने गोरक्षक नहीं है, वो पद अधिकारी है, गौशाला के पद अधिकारी है जिनने आज तक कभी गोरक्षा ना करी हो, और ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन पे गौ कसाई का केस लगेगा और इनके आने वाली नस्लें भी इन पे शर्म करेंगी कि इनने किस चीज के ऊपर पैसे घोटाला करके खाए। इनकी गांव गुवांड में भी जमानत जब्त वाला काम है इनका, और इस टाइप की कार्रवाई में जिस हिसाब से जींद की जनता ने हमारा साथ दिया, मैं सारी जनता से अपील करता हूँ सारे ऐसे आगे बढ़ चढ़ कर आओ। मसला उजागर तो हो गया बस, लेकिन इसका समाधान तो नहीं होगा, समाधान हो गया, बंद हो गया, अब आगे सरकारी गौशाला में कन्वर्ट हो जाएगी, और अडवारा को
कोई भी गौशाला हो या कभी नहीं खुल सकता। तो प्रशासन ने भाई लिख के दे दिया तो एक गौशाला का निरीक्षण जो है प्रशासन के द्वारा करा जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा, लिख के दे दिया। जो गौशाला में दान देते हैं उनके थ्रू इस चीज का निरीक्षण करा। प्रशासन भी आम आदमी को अगर मैं किसी भी गौशाला में दान देता हूँ तो मुझे उस गौशाला का निरीक्षण करना चाहिए। अडवारे जैसी कोई चीज दान देने से पहले पूछनी चाहिए कि आप गौ के मरने के बाद उसके क्या करते हो, उसका अंतिम संस्कार करते हो या उसकी बॉडी का व्यापार करते हो। इस चीज को देखते हुए हमें जागरूक हम सारी जनता को होना चाहिए और हडवारे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जय गौ माता।